जो मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? कुछ भी नहीं किया यहाँ तो। कुछ नहीं किया यहाँ? क्या किया है? अपने अपनी सरकार के लिए किया उन्होंने, गरीबों के लिए क्या किया? रोजगार क्यों नहीं दे रहे? रोजगार रोजगार दो ना। अच्छा, रोजगार राशन थोड़ी चाहिए, जब आदमी कमाएगा तो रोजगार ले दो, रोजगार दो आप। तो पब्लिक क्यों परेशान है? अच्छा, हर दिन 200 रुपए लाते हैं कमा के, वही खर्चे में। अच्छा ये बताइए, रसोई कैसी चल रही है? रसोई बहुत महंगी चल रही है। बढ़िया है, बढ़िया है, सही काम कर रहे हैं। विकास हुआ 10 साल में, मुझे तो कुछ नहीं देगा। और अच्छे दिन आए? अभी तक तो आए नहीं। कांग्रेस का आनी चाहिए सरकार। कांग्रेस की जी, कांग्रेस तो खत्म होने वाली है। कैसे खत्म होने वाली है? भाजपा अब आएगी, भाजपा ही बनी रहेगी। भाजपा के राज में काम ही नहीं हो रहा है। अभी भी रेहड़ी वाले खड़े हुए, उनसे पूछो आप जाके किसके अच्छे दिन है। लोगों की दुकानदारियाँ नहीं हो रही, ऐसे बैठे हुए लोग। व्यापारियों के लिए तो इतनी योजना निकाली है मोदी जी ने। क्या योजना निकाली आप बताओ? मनोज तिवारी ने क्या बताया? बिल्कुल बकवास काम किया। हमने तो आज तक शक्ल नहीं देखी, बट टीवी में नाचते हुए तो देखा है। अच्छा, गानों बनाते हुए वो बाइक पे जा रहे थे, यूं करते हुए यूं बोतल बियर के हाथ में लेके, क्या वो यानी उसमें तो देखा। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लगातार हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ जानेंगे कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर 10 साल में कितना काम किया। 2 बार यहाँ की जनता ने उन्हें सांसद के रूप में चुना, पर इस बार कन्हैया कुमार को इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया है मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए। क्या मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? क्या सीट हासिल कर पाएंगे? सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चाचा मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? कुछ भी नहीं किया यहाँ तो। कुछ नहीं किया यहाँ? क्या किया है? अपने अपनी सरकार के लिए किया उन्होंने, गरीबों के लिए क्या किया है? विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर 10 साल में। कहाँ हुआ विकास यहाँ का? तो क्या नाम है उसका, आम आदमी का? हाँ, ना केजरीवाल ने काम किया यहाँ तो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं विधायक, काम कर रहे हैं सांसद नहीं काम कर रहे। सांसद का काम कर रहा है। अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार को इस सीट से उतार रहा है, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया, नया चेहरा उतरा सीलमपुर में, दिल्ली में। हाँ, नया चेहरा, वो काम कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैसे लग रहे हैं? मोदी जी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पक्षपात वाली बात करते हैं ना। कैसे? राजनीति में उस आदमी को होना चाहिए पक्षपात वाली बात ना करे, वो करते बात हिंदू और मुस्लिम की। अब मैं खुल गया हूँ अखंड भारत बना रहे तो वो तो अपने लिए बना रहे, हमारे लिए क्या बना रहे मुसलमानों के लिए? तो भाई भाई है ये, तो वो कह रहे हैं भाई भाई है ना। अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो वो काटने के लिए तैयार है भाजपा वाले। अच्छा जी, ये बताइए अच्छे दिन आए आपके नहीं आए? कहाँ है वो तो कहते हैं 15 लाख डालेंगे, कहाँ डाले उन्होंने? किसी भी गरीब को नहीं डाले। इंतजार है आपको 15 लाख का? हमें तो नहीं है, हम तो मजदूर आदमी है, कमाना और खाना। अच्छा महंगाई की बात करें तो महंगाई तो इतनी हो गई है, गरीब आदमी सुबह कमाता है शाम को 8 लाख पैसे आ पाते हैं उसके पास। 5 किलो राशन जो दे रहे मोदी जी, कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? नहीं मिल रहा आप लोगों को राशन? मिल रहा है, वो तो हमेशा से मिलता रहा है। अच्छा अच्छा ये बताइए, अब राशन पे जंग छिड़ गई है जी। 5 किलो राशन भाजपा वाले दे रहे हैं और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम 10 किलो देंगे। रोजगार क्यों नहीं दे रहे? रोजगार क्यों नहीं दे रहे? रोजगार रोजगार दो ना। अच्छा रोजगार, राशन थोड़ी चाहिए, जब आदमी कमाएगा तो रोजगार ले दो, रोजगार दो आप। राशन पे क्यों जंग छिड़ी हुई है मैडम? वो छोड़ो, वो तो लालच है। लोग तो लालच है, आदमी लेता ही है, लोग लगाने वादे करता है, 10 साल पहले भी किए थे, अब बाएं फील्ड में हर आदमी करेगा। सारे पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं, हम जानते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं। सांसद है होंगे, हमने देखा नहीं, हमारे इलाके में कभी आए नहीं, तो फिर कैसे पता? फिल्में तो देखी होंगी। वो देखा था, एक गाना चला था रिंकिया के पापा वाला। अच्छा, बस वो यहाँ पर काम नहीं करा फिर उन्होंने? कोई काम नहीं करा। कन्हैया कुमार को उतारे सीट, बेस्ट है, बेस्ट है। कैसे 10 साल जब मनोज तिवारी ने काम नहीं किया तो क्या लग रहा है कन्हैया कुमार? दरअसल क्या, वो जमीन से जुड़े लोग हैं। हाँ। वो JNU के छात्र हैं, PhD किए उन्होंने, प्रोफेसर हैं आज की डेट में, और उनकी स्पीच आप देखोगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। महंगाई के तो चार छोड़े जा रहे हैं, सब कपड़े उतरे जा रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन क्या पता कब आएंगे अच्छे दिन। मोदी जी ने वादा किया था 2019, कोई वादा पूरा नहीं हुआ मोदी जी का, कोई नहीं हुआ। कुछ बिगड़ा है, महंगाई तो है ही। और मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? वो पता नहीं, मैंने आज तक मनोज तिवारी को देखा नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा है तो पब्लिक भी परेशान है। अच्छा, हर दिन 200 रुपए लाते हैं कमा के, वही खर्चे में। अच्छा ये बताइए, रसोई कैसी चल रही है? रसोई बहुत महंगी चल रही है। महंगी चल रही है? ये बताइए, मनोज तिवारी को जानती हैं आप? जी नहीं।
मोदी जी को, मोदी जी को जानते, मोदी जी ने महंगाई कर रखी है, महंगाई कर रखी है। तो इस बार प्रधानमंत्री किसे देख रही हैं आप? हम तो किसी को ना देख रहे, जो पब्लिक को देखेगा हम उसे देखेंगे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी है भैया, सही कर रहे हैं, वैसे हमारे लिए सही नहीं कर रहे, आपके लिए सही जी। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? नहीं हो रही है, नहीं हो रहा। अगर हल्का सस्ताई होती तो सबके लिए अच्छा था, महंगाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जो कमा के आता इंसान वही खा लेता। अच्छे दिन नहीं आए क्या? अभी अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी का कैसा काम लग रहा है? मोदी जी बढ़िया है, बढ़िया है, सही काम कर रहे हैं, विकास हुआ, दस साल सबका साथ। मुझे तो कुछ नहीं देखा। और अच्छे दिन आए? अभी तक तो आए नहीं है? नहीं आए मेरे हिसाब से तो नहीं है। महंगाई देख लो आप, आलू 25 रुपए किलो बिक रहा है, जो 10-12 रुपए होता था बहुत ज्यादा हो गया। सरकार आएगी तो काम तेजी आएगा, तेजी नहीं आ रहा काम के। सरकार देख रहे कांग्रेस की आनी चाहिए सरकार, कांग्रेस की जी। कांग्रेस तो खत्म होने वाली है। कैसे खत्म होने वाली है? भाजपा अब आएगी, भाजपा ही बनी रहेगी। भाजपा के राज में काम ही नहीं हो रहा है, हर बड़ा आदमी बड़ा वाला, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। अच्छे दिन आए आपके? हमें तो नहीं लग रहा हमारे अच्छे दिन आए। मोदी जी ने वादा किया था 2019 किसके अच्छे दिन आए बताओ? यहाँ पे जितने भी रेहड़ी वाले खड़े हुए उनसे पूछो आप जाके, किसके अच्छे दिन है? लोगों की दुकानदारियां नहीं हो रही है, ऐसे बैठे हुए लोग। व्यापारियों के लिए तो इतनी योजना निकाली है मोदी जी ने। क्या योजना निकाली आप बताओ? कह रहे हमने रेड़ी पटरी वाले को 30,000 का लोन दिया है। रेड़ी पटरी वाले खड़े हुए और दुकानदारों को देखो आप, दुकानदार खाली बैठे हुए। क्यों नहीं आ रहे दुकानदार, क्या कर रहे हैं? ये तो आप देखो ना, क्यों नहीं आ रहे? महंगाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा ये मनोज तिवारी को जानते हैं आप? मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता? यहाँ के लिए कितना काम किया है भाई? हमें तो नहीं लगता कुछ काम करा है। दो बार क्या सांसद बने? अब जो वोट डालना है भाई, मनोज तिवारी ने क्या काम किया? बिल्कुल बकवास काम किया। हमने तो आज तक शक्ल नहीं देखी, बट टीवी में नाचते हुए तो देखा है। अच्छा हाँ, गानों में नाचते हुए वो बाइक पे जा रहे थे, यूं करते हुए यूं बोतल बियर के हाथ में लेके, क्या वो यानी उसमें तो देखा हमने, बाकी हमने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं मनोज तिवारी को। अच्छा कोई समस्या होती है तो किसे कंप्लेंट कर रहा हूँ? जब यहाँ पर है ही नहीं कोई समस्या तो बहुत है, कोई नहीं सुनता, कोई किसे समस्या करे? जब वो यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीत करके अपने वो तो जाकर चला गया, वो नाचने गाने वहाँ पर अपने गाने बजाने करने, समस्या किसे सुनाएंगे बताओ मैडम? ये बताइए कि कन्हैया कुमार को इस सीट से उतारा है, इस बार क्या लग रहा है? कन्हैया कुमार सही है, बढ़िया स्टूडेंट है और बहुत अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग भी है, पढ़ा लिखा ले पाएंगे? बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे 101%। क्योंकि मनोज तिवारी ने अगर 10 साल में कुछ काम नहीं किया तो कैसे विश्वास करेंगे कि कन्हैया कुमार करेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार करेंगे 101% करेंगे, वो समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। कन्हैया कुमार आए थे यहाँ पर, यहाँ मीटिंग की, यहाँ पीछे भी है, नहीं मैं था नहीं उसमें मीटिंग में, वहाँ गए नहीं था। 10 साल में क्या भाजपा? भाजपा का शासन क्या जी सब जानते हैं मैडम, अब हम क्या बताएं भाजपा का शासन, जितने भी है सबको मुद्दा रहने वाला है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा जी, इस बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्या मुद्दा रहेगा? मोदी जी की गारंटी आप लोगों को मिल रही है? नहीं, हमें कोई गारंटी किसी बात की नहीं मिली। ये तो आपको पता ही है, क्या अच्छे दिन, कैसे अच्छे दिन, सारे अच्छे दिन पड़े हुए देख लो, मार्केट में कैसे संडाटे छाए हुए, कारोबार रोजगार हर चीज तो सब बेकार बैठे हुए, क्या अच्छे दिन, कुछ भी नहीं अच्छे दिन। इतना विकास कर रहा है देश, नहीं कोई कर रहा होगा जी, जिनके लिए विकास हो रहा होगा हो रहा होगा, बाकी हमारे यहाँ किसी के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार एक पार्टी है, कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी और क्या नाम, गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, अब ये राहुल गांधी आया ये भी कुर्बानी दे दिया। कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, ये हराम खोर है। कौन? बीजेपी। अच्छा। चोर डकैत झूठा मक्कार बेच, अगर झूठ के ट्राई करनी है बेईमानी की तो मोदी से सीख लो, वो गुरु हम चेले। कौन है गुरु? वो ये मोदी चेले आप है। तो आप भी झूठ सीख रहे हैं? नहीं हम सीख रहे हैं, वो आगे जब तो सीखेंगे, वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा। हम तो बुला रहे हैं उसे, उसे आम खिलाएंगे, खरबूजे खिलाएंगे, वो हमें कम तोड़ना बताएगा, झूठ बोलना सिखाएगा। अच्छा। फिर हम एक एक आध दुकान ले लेंगे किराए पे। हाँ बस तो रहा मोदी जी यहाँ पर, कहाँ रहा यहाँ तीसरे पुस्तक पे? अबे यहाँ बुलाओ ना हमारे पुस्तक पे, तीसरा पुस्तक कौन देखा? फर्स्ट पुस्तक पे चलते हम नंबर वन पे, तीसरा चौथा किन्ने देखा, जो काम होगा हमने सामने होगा। पर ये कह रहे हैं मोदी जी की कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है वोट के लिए। देखिए मुसलमानों का इस्तेमाल तो शुरू से ही करते चले हैं। हाँ। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ कुर्बानी 40% के 60% कुर्बानी मुसलमानों की है। आप इतिहास उठा के देख लो। हाँ। आप इतिहास उठा के देख लो, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है और आज भी इंडिया गेट पर जाइए आप,
उन्हीं के फोटो मिलेंगे आपको, उनकी तस्वीरें मिलेंगी। ईमानदारी हमेशा जिंदा रहेगी, बेईमानी एक दिन खत्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं चला करती। 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहने वाले, हो सकता है वो सो गई, इंतकाल हो जाए उसका। किसी को पता मौत जिंदगी का? हो सकता है मैं खड़ा हूँ, मैं अभी गिर जाऊँ तो मोदी क्या बिल्कुल प्रमाण से उतरा हुआ लगता है, उसकी रूह कब्ज नहीं होने की, मरना भरा के मौत बिल्कुल आएगी। लेकिन मोदी से अगर कुछ तुम्हें सीखना है ना, बेईमानी मक्कारी चोटबाजी धोखाबाजी देख सीखनी है तो उसे बुलाओ, हम उससे सीखेंगे। अच्छा। बल्कि मिठाई का डिब्बा भी खिलाएंगे ताकि कुछ एक आध प्रॉपर्टी खरीद लें। कन्हैया कुमार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने की। लगातार हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं और मनोज तिवारी ने यहाँ पर 10 साल में कितना काम किया, हालांकि जनता काफी नाराज दिख रही है कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर झांका तक नहीं आके अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो देखना यही होगा कि अगर कन्हैया कुमार इस सीट को हासिल करते हैं, जीतते हैं, तो क्या वो इस जनता की, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता की समस्याओं का हल कर पाएंगे, इनके मुद्दों पर काम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और रही प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, तो 4 जून को पता चल जाएगा कि देश की नेता ने इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुना है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।